हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंडिया बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं फेवर कासल के काफ़ी सारे ज्योमेट्री बॉक्सेस। बेसिकली गाइस, फेवर कासल की जितनी भी ज्योमेट्री बॉक्सेस की रेंज आती है मार्केट में अवेलेबल है, वो हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं। एंड हम कंपेयर करने वाले हैं एंड आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए इन सभी बॉक्सेस में से बेस्ट कौन सा रहेगा। गाइस, इसके पहले भी हम आपके लिए एक वीडियो ला चुके थे विच वॉज ऑन क्लासमेट के ज्योमेट्री बॉक्सेस, है ना, आपने वो देखा हो तो आप चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ गाइस, आज फेवर कासल आ गया, इसके बाद भी हम काफ़ी सारे और जैसे कैमलिन है, डॉम्स है, मैप्ड है, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, तो आज मिली जो हम बात करने वाले हैं गाइस, वो हम बात कर रहे हैं अबाउट फेवर कासल के बॉक्सेस के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम 75 रुपीज़ to 250 रुपीज़ तक के बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ आपको गाइस, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग यार, आप जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं इट इज़ वेरी नाइस गाइस, हम काफ़ी ज़रा मोटिवेट हो रहे हैं आपके सपोर्ट से। एंड कीप सपोर्टिंग, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस नीचे उस लाल बटन को दबा के ग्रे कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के साथ। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को हम कवर कैसे करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, हमारे पास यहाँ पे जो ज्योमेट्री बॉक्स अवेलेबल हैं वो 75 से 250 रुपीज़ के बीच में है ना। तो इनको हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, हमने कैटेगरी बनाई है अंडर 100 कैटेगरी। तो उसमें आपको गाइस तीन बॉक्स देखने को मिलेंगे, आईटेक, स्पीयर एंड ग्रेट या फिर GR8। ठीक है, तो ये तीन बॉक्सेस अंडर 100 है। फिर अगली कैटेगरी है अंडर 150, तो उसमें गाइस ये तीन बॉक्सेस हैं, टोरस, आईटेक प्रो एंड सेंट्रॉइड। एंड थर्ड कैटेगरी इज अंडर 250 रुपीज़, तो जिसमें बस एक ही बॉक्स फेवर कासल का हमको मिला विच इज़ स्टेलर। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज हैं। तो आपका जो भी बजट है उसके हिसाब से नीचे टाइमलाइन पे ना आप क्लिक कर सकते हैं एंड अपनी फेवरेट कैटेगरी देख सकते हैं। चाहें तो आप पूरी तीनों कैटेगरी डिटेल में देखिए, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास सबसे महंगा जो ज्योमेट्री बॉक्स अवेलेबल है यहाँ पे उससे, विच इज़ गाइस फेवर कासल का स्टेलर। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेलर आ चुका है। इसका जो प्राइस है गाइस, MRP इसका 250 रुपीज़ है ना। और इसको अनबॉक्स करके जल्दी से देख लेते हैं कि इसके अंदर हमको क्या मिलता है। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ये जो तीन सेक्शन है अंडर 250, 150 एंड 100, उसके बाद एक वर्डिक्ट सेक्शन भी है। तो लास्ट में अगर आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू देखना हो सभी का साथ में, तो आप उसको भी लास्ट में ज़रूर चेक करें गाइस, है ना। ओके, तो सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमारा जो स्टेलर है, तो इस टाइप की कुछ इसकी पैकिंग आती है गाइस। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से खोलता हूँ और यहाँ पे पीछे कुछ डिटेल्स हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इसको रीड आउट कर सकते हैं, इसके MRP वगैरह मेंशन है। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरा बॉक्स आ गया है। तो ये अगेन एज ज्योमेट्री बॉक्सेस हैव मेटालिक केसेस, तो यहाँ पे भी मेटालिक हमको एक बॉक्स मिला है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इसका कुछ लुक इस टाइप से। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमको अंदर देखने को क्या मिलता है। तो इस टाइप का एक कुछ मुझको लेटर मिला है, जिसमें आप बेसिकली यहाँ पे नेम, एड्रेस, स्कूल, स्टैंडर्ड वगैरह मेंशन कर सकते हैं। एंड हियर यू हैव सम मैथमेटिक्स फार्मूलाज। ठीक है, तो बेसिक फार्मूलाज हैं। ठीक है, बचपन में यार ये मिलता था ना, मैं बड़ा खुश होता था, ये क्या फार्मूला है। ठीक है, आते तो नहीं थे तब 7th-8th क्लास में तो, पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, अंदर देखते हैं। अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लगभग ब्लू थीम दिया हुआ है पूरे बॉक्स को, है ना। तो यहाँ पे ऊपर भी सामान है, नीचे भी सामान है, और ये गिरता तो नहीं है। नहीं गाइस, ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये अच्छे से अटैच्ड है, ये ऐसे गिरेगी नहीं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं स्केल वगैरह कैसे हैं गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्केल को निकाल लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास स्केल आ गया है, जो रूलर है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी है, मतलब ठीक लगी मुझे क्वालिटी। ठीक है, एंड देन वी हैव सेट स्क्वायर्स। तो ये हमारे पास सेट स्क्वायर आ गए हैं, इनको भी मैं बाहर निकालता हूँ। ओके, निकल। ओके, ये सेट स्क्वायर हैं। देन वी हैव अ प्रोटेक्टर। ठीक है, ये निकल गया। तो गाइज, ये हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट बाहर आ चुके हैं, हमारे पास रूलर, प्रोटेक्टर। एंड गाइज, इनकी क्वालिटी कुछ ऐसी है, मार्किंग वगैरह आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की मार्किंग है। मार्किंग मुझे पर्सनली ना गाइज इन पे थोड़ी सी छोटी लगी, है ना, थोड़ी सी साइज़ में मुझको छोटी लगी मार्किंग, बट ठीक है। और देख लेते हैं गाइज क्या क्या है साथ में। तो ये तो हमने ऊपर रूलर वाला सेक्शन चेकआउट कर लिया है, आगे देखते हैं गाइज और इसमें क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गाइज हमारा कंपास। तो यहाँ पे हमारे पास गाइस हमारा कंपास आ चुका है। ठीक है, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, आई थिंक ज्योमेट्री बॉक्स में सबसे मेन इक्विपमेंट एक कंपास ही रहता है। तो इसकी ये जो पूरा है ये मेटल का बना हुआ है ना, हार्ड मेटल। यहाँ पे मैं इसका आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे दूसरा, ये हमारे पास डिवाइडर है, तो आप सुन सकते हैं, पूरा मेटेलिक है। ठीक है, एल्यूमिनियम का आई गेस ये बना हुआ है गाइस, एल्यूमिनियम का कंस्ट्रक्शन, लाइट वेट ही है ना, और ज़्यादा लाइट भी नहीं है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, गुड वेट है। और यहाँ पे प्लास्टिक का डिज़ाइन है ऊपर। यहाँ पे आपको एक नॉब मिलेगा, जिसको आप स्क्रू एंड अनस्क्रू करके अपनी पेंसिल को टाइट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डिवाइडर भी मिलता है, डिवाइडर के ऊपर यहाँ पे आपको कुछ प्रोटेक्टिव कवर लगा हुआ है, जैसे गड़े ना।
ठीक है, निकाल सकते हैं आप इसको। तो ये बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट है, मेटेलिक हैं ये दोनों, ठीक है, इनको भी रखते हैं साइड में गाइस। बढ़ते हैं और क्या हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे हमको देखने को मिलती है गाइस एक इरेजर, ठीक है, तो नॉर्मल से इरेजर, नथिंग स्पेशल। उसके बाद एक है हमारे पास शार्पनर, तो यहाँ पे शार्पनर अगेन अ सिंपल शार्पनर है ना, नॉर्मल सा शार्पनर, ठीक है, इनको भी रख देते हैं साइड में। और फिर यहाँ पे हमको जो स्पेशल देखने को मिलता है एक नॉर्मल पेंसिल है। यहाँ पे गाइज एक हमको मैकेनिकल पेंसिल देखने को मिलती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड ये हमें एक मैकेनिकल पेंसिल देखने को मिली फेवर कासल की, ठीक है। इसको आप बेसिकली ये जो हमारे पास कंपास है इसमें लगा सकते हैं। एंड इसका फ़ायदा क्या होता है गाइज कि आपको ना बार बार जैसे हम एक बार पेंसिल सेट कर लेते हैं ना, तो जैसे मैं जब पढ़ता था तब ऐसी चीज़ें नहीं आती थी, हम लोग को ये वाली पेंसिल लगानी पड़ती थी, बार बार निकाल के शार्प करना पड़ता था, ठीक है, तो वो स्क्रू अनस्क्रू करना बेकार सिस्टम था। तो ये है मैकेनिकल पेंसिल, आप इसमें लगाएं। एंड सबसे अच्छी बात, अगर इसकी लीड्स ख़त्म हो जाती हैं तो आपको एक लीड पैक भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 0.5 mm की 2B लीड्स है ना, 2B HB नहीं है ये, 2B है तो थोड़ा सा डार्क ही चलेगी, तो गुड। यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ लीड्स यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ गाइस, तो 6 लीड्स मुझको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जनरली तो 5 आती हैं, बट यहाँ पे लिखा 5 है, बट मुझे जो लीड्स दिख रही हैं 1, 2, 3, 4, 5 है, लीड्स 6 मुझे लीड्स इसमें देखने को मिली गाइस, ठीक है। एंड एक लीड इसके अंदर भी डली हुई है। तो गाइस ये हमने देख लिया। तो इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर हमें स्टेलर में जो भी देखने को मिला आपको यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। तो ये पूरा इनबॉक्स कंटेंट है गाइस। तो इसकी जो मेन चीज़ मैं बात कर लेता हूँ, इनकी जो क्वालिटी है वो अकॉर्डिंग टू 250 rupees इज़ ओके, मतलब ठीक क्वालिटी है। स्पेशली मुझको ये जो ब्लू फिनिश दिया गया ना, ये मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लगा, बट अगेन ये पर्सनल चॉइस है, हो सकता है आपको बेटर भी लगे, ठीक है, तो कलर चॉइस तो पर्सनल है यहाँ पे, ठीक है। एंड गाइस दूसरी मैं चीज़ बताऊँ आपको, मैकेनिकल पेंसिल इज़ गुड, यहाँ पे ग्रिप भी आपको थोड़ी सी दी हुई है। इससे जो सर्कल मैंने बना के देखे गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारे पास ये कंपास था, ठीक है, पूरा मेटालिक है, अच्छी बात है। इससे जो कंपास इसको मैंने बना के देखा सर्कल, तो काफ़ी अच्छे सर्कल भी यहाँ पे बने, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे इसमें मेंशन करने लायक लगी गाइस, कि इसको आप टाइट और लूज़ इसका कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, कितना ये टाइट हो रहा है कितना लूज़ हो रहा है इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। वहीं पर गाइस ये जो हमारे पास एस्ट्रॉइड था क्लासमेट का, इसमें हमको गाइस जो देखने को मिलता था जो कंपास, वो ऐसा देखने को मिलता था, आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी 250 rupees का ही बॉक्स था, कि इसमें ना आप इसको बेसिकली आपका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा था, आप अपने हिसाब से इसको टाइट एंड एडजस्ट कर सकते थे। बट इसमें एक कॉन ये था कि ना आपको बस एक कंपास ही मिलता था और इसमें आप इसको निकाल सकते थे, एंड इसी को आपको इसमें एक एक्सटेंशन आता है उसको ऐड करके डिवाइडर बनाना पड़ता था, डिवाइडर इसमें सेपरेट नहीं था। बट गाइज यहाँ पे आपको ना कंपास के साथ साथ एक सेपरेट डिवाइडर देखने को मिल जाता है। बट अगेन इफ़ यू नीड ग्रेटर कंट्रोल ओवर कंपास, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कंट्रोल मिल पाए, आप चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेजरमेंट करते हैं, आप चाहते हैं कि भाई जहाँ फिक्स करेगा वहीं हूँ, ठीक है, बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आई थिंक ज़्यादा अपील करेगा, स्कूल में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो फिर ये एक बेटर चॉइस हो जाती है, ठीक है ना गाइस। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको कंपेयर करके बताएं कि यार ये फेबर कासल के स्टेलर और जो हमारे पास एस्ट्रॉइड है इसमें बेटर कौन सा है, एंड ऐसे ही बहुत सारे कंपैरिजन करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे आप बता सकते हैं, हम आपको डेडिकेटेड रिव्यू बना के दे देंगे इन सब का, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे हमारा देख लिया है स्टेलर, अब बढ़ते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, विच इज़ गाइस बेस्ट फेबर कासल के ज्योमेट्री बॉक्स अंडर 150 rupees। ओके गाइस, तो अब हमारे पास आ चुके हैं अंडर 150 rupees के ज्योमेट्री बॉक्सेस। तो यहाँ पे 3 बॉक्स हमारे पास हैं, एक है गाइस फेबर कासल का टोरस, देन वी हैव आईटेक प्रो, देन वी हैव सेंट्रॉइड। इन तीनों की ही जो प्राइसिंग है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं गाइस, विच इज़ 150 है ना, इसका प्राइसिंग आपको यहाँ दिख रहा होगा 150 rupees, ठीक है, एंड इसका भी प्राइस आप चेक कर सकते हैं इस 150 rupees का, ठीक है। तो इनको सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, मैं तीनों को साथ में अनबॉक्स करके आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया है सेंट्रॉइड, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। टोरस को भी खोल लेते हैं गाइज, ये हमारे पास आ गया है टोरस, एंड ये हमारे पास आ गया है आईटेक प्रो। तो गाइज़ अब यहाँ पे मैं आपको एक मेन चीज़ बता देता हूँ कि ये दोनों जो बॉक्सेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मैं आपको इन दोनों की अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ साथ में, ठीक है। देखिए मैंने दोनों को अनबॉक्स कर लिया, दोनों का प्राइस भी सेम है, हमको ऊपर इस टाइप का एक फोम देखने को मिलता है, ठीक है, कवर, ठीक है। अंदर अगर मैं देखूँ गाइस तो कंटेंट लगभग सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इरेजर, शार्पनर है ना, शार्पनर की क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ, सेम शार्पनर दोनों में। तो ये एक शार्पनर है, इसमें नॉर्मल सा जो शार्पनर आता है, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे जो इरेजर है वो भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें कंपास और डिवाइडर मिलते हैं वो भी सेम है। अब आप बोलेंगे अलग तो दिख रहे हैं, पर गाइज बस अंतर इतना सा है, सब कुछ ये जो मटेरियल है जो कास्टिंग हुई है
वो सेम वही है, बस इसके ऊपर कोटिंग अलग चढ़ाई गई है। इसके ऊपर एक मैट फिनिश की कोटिंग है, इसके ऊपर एक ग्लॉसी सी कोटिंग है। तो अब आपकी ये पर्सनल चॉइस है कौन सी आपको पसंद आती है। मुझे पर्सनली ये मैट कोटिंग ज़्यादा अच्छी आई है ना, ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप आगे बढ़ के देखते हैं गाइस कि यहाँ पर जो हमारे पास कंपास है, तो ये हमारे पास कंपास है गाइस यहाँ पे, तो कंपास भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। ये दोनों गाइस मेटैलिक कंपास है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, मेटैलिक कंपास है गाइस, ठीक है। अंदर से डिज़ाइन अगर आप देखना चाहें तो अंदर से ये हॉलो नहीं है, यहाँ से भी सॉलिड है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, नहीं तो हॉलो होते हैं जनरली, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा वेट है इनका, पकड़ने में ग्रिप काफ़ी अच्छी है। एंड इनकी सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी ना गाइस, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसकी जो बेसिकली पिन है यहाँ पे, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, एंड बिलीव मी गाइस, ये एक बहुत अच्छा फैक्टर था। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपास जिससे मैंने सर्कल बनाया, आप देख सकते हैं। तो इससे बनाने में ना मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है, जनरली पेन उठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बट पर्सनली पहले मुझे देखने में ये इतने अट्रैक्टिव नहीं लगे थे, बट जब मैंने इस कंपास को यूज़ किया ना, तो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट कंपास इन 150 रुपीज़ जो मुझको लगा। बाकी गाइस बॉक्स में काफ़ी कंटेंट होते हैं आई नो, बट कंपास की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, स्पेशली इसका जो बैंड निब होता है, इसकी वजह से ना गाइस सर्कल बनाने में काफ़ी हेल्प होती है। इवन आप छोटा सर्कल मेजरमेंट लेके छोटा सर्कल भी बनाते ना, तो भी ये उठता नहीं है जगह से, तो ये मुझे इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी गाइस, है ना। तो इसको रख लेते हैं गाइस साइड में और देखते हैं क्या एक्स्ट्रा मिलता है हमको यहाँ देखने के लिए। तो बाकी का कंटेंट सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे हमको गाइज एक मैकेनिकल पेंसिल देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ आपको। यहाँ पे गाइज हमको देखने को मिलती है एक मैकेनिकल पेंसिल जिसको आप अपने कंपास में लगा सकते हैं। ये कौन सा था, इसका नाम था टोरस में, है ना, टोरस में। बट गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंट्रॉइड में, अगर आप देखते हैं गाइज, तो सेंट्रॉइड में आपको एक नॉर्मल पेंसिल देखने को मिलती है, ठीक है, नॉर्मल पेंसिल जिसको आप कंपास में लगाएंगे, बट मैकेनिकल पेंसिल आपको बड़ी देखने को मिलती है, बस इसमें अंतर ही है। मैकेनिकल पेंसिल आपको एक बड़ी देखने को मिल जाएगी, जी क्लिक नाम है, और इसमें आपको सिर्फ एक पेंसिल देखने को मिलती है जो कि आप कंपास में लगा सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, बाकी कंटेंट सिमिलर है, प्राइस सेम है, तो सवाल उठता है कि इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है। तो गाइस देखिए, समझिए बात को, अगर आपको यहाँ पे बाकी कंटेंट तो सेम ही, अगर आपको सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल चाहिए बड़ी वाली विथ लीड्स, है ना, एंड आपको अगर ये कलर पसंद आया है तो आप जा सकते हैं सेंट्रॉइड के साथ, ठीक है। बट अगर आपको गाइस एक मैकेनिकल पेंसिल चाहिए जिसको आप कंपास में लगा सके, देन गाइस फिर टोरस बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो ये पर्सनल ऑप्शन है, ठीक है। अगर इसमें एक छोटी मैकेनिकल पेंसिल लगा होती तो डेफिनेटली सेंट्रॉइड एक अलग ही ऑप्शन बन जाते, बट क्योंकि इसमें एक छोटी पेंसिल नहीं है मैकेनिकल, तो फिर ये बहुत एक कंसिडरेशन वाला पॉइंट हो जाता है कि क्या लें। अब वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। बाकी 150 रुपीज़ में गाइस ये जो बॉक्स था मुझे अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा इसकी जो, क्योंकि मेनली इसकी कंपास की क्वालिटी की वजह से कि काफ़ी अच्छे सर्कल से अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगला बॉक्स और है हमारे पास 150 रुपीज़ में, एक और वो भी अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास आ गया है हमारा फेवर कासल का आईटेक प्रो। तो आईटेक बेसिकली एक आईटेक भी है, वो आगे दिखाऊंगा, दिस इज आईटेक प्रो। इसको देख लेते हैं गाइस क्या निकलता है। ओके, तो इसमें एक हमारे पास अगेन अच्छी चीज़ निकली है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना नेम रोल नंबर क्लास स्कूल, ठीक है, आर्स। यार गाइस ये चीज़ एक मुझे बताना, क्लास में कई बार ना, मैं जब स्कूल में था हम लोग ऐसा करते थे, ऐसे सिक्स में थे तो सिक्स लिखा, देन उसको अगले साल काट के सेवन कर देते थे, ऐसा होता है क्या आप लोग के साथ भी? हम लोग के साथ तो होता था, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे एक टाइम टेबल बनाने की जगह दी हुई है, आप यहाँ पे अपना टाइम टेबल वगैरह बना सकते हैं जो भी स्कूल का है। पीछे हमारे पास मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है, बेसिकली मेंसुरेशन के हैं, यूजफुल डेफिनेशन है, तो ये कुछ चीज़ें हमें दी हुई है ना। ये भी एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ होती थी एग्जाम में, हम सोचते थे अब फार्मूला किट हमारे पास है, और पहले ना यार कुछ ज्योमेट्री बॉक्सेस में ऊपर प्रिंट करके आते थे फार्मूलास, तो वो भी काफ़ी यूनिक चीज़ होती थी एग्जाम में, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं गाइस, तो यहाँ पे अंदर देख लेते हैं हमको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है, यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस टाइप के हमको डिवाइडर देखने को मिलते हैं, तो ये डिवाइडर डेफिनेटली जो हमको सेंट्रॉइड और टोरस में देखने को मिले उससे काफ़ी हल्का है, मतलब उससे आधा ही वेट का मुझको लगा, ये काफ़ी हैवी है। डेफिनेटली मैं सेंट्रॉइड और टोरस की डिवाइडर एंड इवन कंपास भी गाइस मुझे यहाँ पे इसका पसंद आया, जो हमारे दो पुराने मैंने आपको 150 लिखा है उनका ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और चीप फील होता है मुझे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्का है, हल्का। अब गाइस हल्का एक एडवांटेज भी हो सकता है कि भाई जल्दी जल्दी करना हो, बट फिर भी
थोड़ा सा वेट होता है ना, तो बनाने में प्रिसिजन थोड़ा सा ज़्यादा आता है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉब है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और क्या मिलता है, एक मैकेनिकल पेंसिल मिलती है गाइस, लेकिन ये मुझे बहुत ही मतलब ब्लैक, इसका मैट ब्लैक सा लुक है, बहुत प्यारी दिखने में लग रही है। ठीक है, एक मैकेनिकल पेंसिल है, लीड्स इसमें आपको नहीं मिलती हैं। स्केल की क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि स्केल की क्वालिटी कैसी है, तो गुड, स्केल की क्वालिटी अच्छी है ना। और मैंने आपको इन दोनों के स्केल्स की क्वालिटी नहीं बताया गाइस, तो इनका भी एक स्केल निकाल के मैं आपको बता देता हूँ कोई डिफरेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं गाइस हम। ओके, तो ये जो स्केल है गाइस, दोनों में स्केल डिफरेंट है ना, इसमें भी जो स्केल है वो डिफरेंट है। लेट मी चेक गाइस। ओके, काफ़ी सारी पैकिंग में हमको स्केल रख के दिया है फेवर कासल ने। ओके, तो ये स्केल आ गया है इसका। तो गाइस डेफिनेटली टोरस और सेंट्रोइड का तो सेम है, बट इसका थोड़ा सा मुझे अलग लगा। एंड बेटर कौन सा है, मैं कैसे बोलूँ, लेट मी चेक गाइस। बेटर मतलब ऐसा कोई डिफरेंस ऐसे सच में पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ गाइस, तीनों के स्केल्स अच्छे हैं, मतलब ऐसा कोई बुरी वाली बात नहीं है। ठीक है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे इसका हमको ये देखने को मिलता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर गाइस अगेन, इसकी ना रीडिंग आई डोंट नो फेवरकासल ने इतनी छोटी क्यों दे रखी है, थोड़ी सी इसको बड़ा फॉन्ट कर देते ना, थोड़ा बेटर हो जाता लेजिबिलिटी। और यहाँ पे मैं बाकी इनकी भी देख लेता हूँ, तो यहाँ पे भी गाइस सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक एडवांटेज है टोरस और सेंट्रोइड की, ये थोड़े से बड़े हैं फॉन्ट, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे हल्के से छोटे हल्के से बड़े, ऐसा देखना पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना गाइस, तो मुझे दिख रहा है। तो सेंट्रोइड और टोरस एक बेटर ऑप्शन है, ये तो आप मत लीजिए, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। तो गाइस ये थी हमारी 150 रुपीस की कैटेगरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं गाइस हमारी सबसे सस्ती कैटेगरी विच इज़ अंडर 100 रुपीस वाली। तो गाइस अब आ चुके हैं हमारे पास हमारे अंडर 100 कैटेगरी के बॉक्सेस। तो यहाँ पे तीन बॉक्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं गाइस, विच इज़ आईटेक, स्पीयर एंड ग्रिट। यहाँ पे गाइस आईटेक सबसे सस्ता है, इसका प्राइस 75 रुपीज़ ही है। एंड ये जो बाकी के दो बॉक्सेस हैं गाइस, इनका प्राइस आप देख सकते हैं, MRP इज़ 100 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम अनबॉक्स कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों बॉक्सेस आ गए हैं, इनका 100 प्राइस है। ठीक है, वन इज़ ग्रेट एंड स्पीयर, ये GR8 को ही मैं ग्रेट बोल रहा हूँ, है ना, तो कुछ भी आप रीड करें। तो ये ग्रेट है, दोनों को साथ में अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस है। ओके ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में ही हमको ऊपर एक फोम की कोटिंग टाइप कुछ मिली है। ठीक है, देन अंदर मैं देखता हूँ गाइज क्या क्या है इनमें। तो अगेन जैसा उसमें था, इनमें सेम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पे दोनों के जो कंपास हैं उनको हम पहले देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे पीछे मैं थोड़ा सा वाइट करता हूँ गाइस, येलो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कंपास सेम है, काफ़ी हल्की क्वालिटी है गाइस, मतलब काफ़ी मतलब पतले से, ज़्यादा कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं लगी। तो आप सोच लीजिए, मतलब मुझे, मैं पर्सनली अगर बोलूँ ना, तो जो हमारे पास दूसरे थे उनकी क्वालिटी ना कंपास ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे, 150 वाले टोरस एंड सेंट्रोइड के, ये थोड़े से ज़्यादा वीक हैं, तो मुझे तो पसंद ये नहीं आए ज़्यादा। ठीक है, बट अगेन इनका प्राइस कम है, बॉक्सेस का 100 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, तो उसके हिसाब से दे आर ओके। ठीक है, और देखते हैं गाइस क्या है यहाँ पे। देन वी हैव अ डिवाइडर, सेपरेट हमको डिवाइडर दिए हुए हैं। डिवाइडर में गाइस ये तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, इनका अलाइनमेंट ही बिगड़ा हुआ है, ये एक आगे है एक पीछे। ठीक है, मतलब ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे पैरेलल होनी चाहिए, बड़ी ऐसे। ठीक है, तो अगेन इनको आप थोड़ा सा खोल के ऐसा ट्विस्ट कर सकते हैं, बट अगेन गाइस ये इतना प्रसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बट अगेन 100 रुपीज़ में एक अच्छी क्वालिटी का कंपास अकेला भी नहीं आता है, तो यहाँ पूरा बॉक्स मिल रहा है आपको, तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो फैक्टर। ठीक है, तो ये डिवाइडर आपको मिल गया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस एक है, यहाँ पे आपको एक मैकेनिकल पेंसिल देखने को मिलती है, यहाँ पे एक मैकेनिकल पेंसिल लिखने को मिलती है, एंड यहाँ पे एक सिंपल सी नॉर्मल HB पेंसिल। ठीक है, कौन से वाले मैकेनिकल है गाइस, स्पीयर में आपको मैकेनिकल देखने को मिलती है। ओके, एंड बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ स्केल्स की। ओके, तो यहाँ पे स्केल हमें एक प्लास्टिक की पैकिंग में आता है। ठीक है, इसको निकालता हूँ। ओके, तो स्केल इज सेम एज दैट ऑफ आईटेक प्रो, है ना, आईटेक प्रो में भी यही स्केल था। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी स्केल की, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्केल। ठीक है, इसका स्केल भी गाइस सेम है क्या, लेट मी चेक। तो नहीं, इसका स्केल डिफरेंट है, इसके स्केल में मार्किंग नहीं है, बस यहाँ बाकी स्केल की क्वालिटी मुझे बस सेम लगी, बस यहाँ पे ये इंडेंटेशन थोड़ा सा मार्किंग था, यहाँ पे नहीं था, बाकी सेम स्केल है गाइस, ऐसा कोई डिफरेंस मुझे लगा नहीं, मेजर बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो साइड में रखता हूँ। बात कर लेते हैं गाइस इनके प्रोटेक्टर्स की, तो ये प्रोटेक्टर है। ठीक है, प्रोटेक्टर पे मार्किंग साइज मुझे इनका ठीक लगा, अच्छा है मार्किंग साइज, इसकी बात कर लेता हूँ गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, स्पीयर में जो आता है उस पर कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे जो आपको प्रोटेक्टर मिलेगा ना, आप यहाँ देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर उभरा उभरा सा है प्रोटेक्टर, यहाँ लिखा हुआ उभरा उभरा सा यहाँ पे फील आ रहा है। ठीक है, मतलब एक ऊपर कार्विंग टाइप की कुछ की गई, अच्छी है वो भी।
ठीक है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही अच्छी क्वालिटी के मुझको लगे, इसका थोड़ा सा क्लीन लुक मुझे लगा। तो बेसिकली गाइस ओवरऑल यहाँ पे अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछते हैं क्या है, तो मैं पर्सनली ना ये स्पीयर वाले को प्रेफर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका लुक थोड़ा सा, बाकी तो इक्विपमेंट सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इक्विपमेंट मुझे क्लीन लगे। एंड इसमें एक ना मैकेनिकल पेंसिल आपको मिल रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें लीड्स नहीं है, तो लीड्स आपको अलग से लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो बाकी ये छोटी छोटी पेंसिल तो आपके पास ही बहुत पड़ी होंगी, तो आई थिंक एक मैकेनिकल पेंसिल के साथ जाना आप एक लीड परचेस कर लीजिएगा, तो मुझे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन लगा एज़ कम्पेयर टू दी, क्या नाम था इसका गाइस, इसका नाम था हमारे पास ग्रेट GR-8। तो स्पीयर वॉज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। देख लेते हैं गाइस, बचे हुआ एक बॉक्स और देख लेते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे iTech बचा हुआ था, तो दिस इज़ आवर iTech, ठीक है, इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो ये निकल के आ गया है यहाँ से, है ना, ये आ गया है निकल के। ओके, एंड इसका जो ऊपर है रेड कलर से है ना। एंड गाइज रेड कलर से ना एक चीज़ और होती है, नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन, तो उसको दबा के गाइज आपको क्या करना है, उसको दबा के आपको जल्दी से ग्रे कर देना है, ठीक है, ताकि इसी तरह का वीडियोस आप मिस आउट ना करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल, अगर आप चाहते हैं हमारा वीडियो आए और आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है गाइज, तो आप डेफिनेटली उसको ऑल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो गाइज यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा iTech, ठीक है, iTech Pro हमने देखा था, ये iTech है बेसिकली। इसके अंदर हमने देखा ये जो कंपास है, अगेन सेम क्वालिटी है जो कि हमें बाकी के 100 रुपीस के अंदर के जो बॉक्स थे उनमें मिली, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे प्यारा लगा है, ब्लैक है, इसके ऊपर येलो एक्सेंट है, तो दिखने में थोड़ा सा कूल है ये, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी में से डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बट हाँ इसका अलाइनमेंट वगैरह सही है, ये ऐसा आगे पीछे नहीं लगा मुझको ये, ठीक है, तो ये अच्छी बात है इसकी। ये बस यहाँ पे ये मेटल का था गाइस, ये मेटेलिक थी, ये प्लास्टिक का कर दिया, तो आई थिंक ये गिरेगा तो बट ठीक है, ओवरऑल पूरा लाइट है, तो आई डोंट थिंक ये तैयारी कुछ ब्रेक व्रेक होने वाला है, बाकी बढ़िया गाइस। इसकी सबसे सस्ता ज्योमेट्री बॉक्स है, सिर्फ 75 में आपको मिल जाता है। एंड अगेन ये हमारे पास डिवाइडर है, तो डिवाइडर में अगेन आप देखेंगे आगे पीछे है, ठीक है, है ना, तो ठीक है चलता है इतना, क्या डिवाइडर आई डोंट थिंक 75 वाला को यूज़ भी करेगा स्कूल में, है ना। आगे बढ़ते हैं, स्केल की क्वालिटी हम देख लेते हैं, स्केल पैकिंग में, इसमें स्केल में एक ग्रूव टाइप का बना हुआ है, ये पकड़ने मुझे अच्छा लगा, तो काफ़ी अच्छा स्केल है ना, अच्छा स्केल मुझको लगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर अंदर से खोखला है अभी खोखला क्यों करा है आई डोंट नो, ठीक है, बट हाँ ये हो सकता है ये पकड़ने में आपको थोड़ा सा ग्रिप दे सकता है आगे खिसकाने में, बट ऐसा कोई डिफरेंस आता नहीं है, यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं खोखला है, अंदर से कटा हुआ है, ठीक है। और डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग मुझे दिखी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोटेक्टर्स, और अगेन यहाँ पे भी आप देखेंगे थोड़े थोड़े से प्लास्टिक में सेव किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ हमें डिज़ाइन देखने को मिलता है गाइस इन iTech। तो मुझे पर्सनली गाइस इन तीनों बॉक्सेस में से अगर आप पूछें कौन सा बेस्ट है 100 रुपीस में, तो आई थिंक मुझे ओवरऑल ये जो स्पीयर था ना, स्पीयर मुझे 100 रुपीस के अंदर एक बेटर चॉइस लगती है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये हमने कंपेयर किया अंडर 100, अब एक बार लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट देख लेते हैं कि ओवरऑल आपको कौन सा बॉक्स लेना चाहिए। तो गाइस अब आ चुके हैं हमारे वर्डिक्ट सेक्शन पे, जो हम आपको बताने वाले हैं कि 75 से लेकर 350 तक आपके लिए बेस्ट बॉक्स कौन सा रहेगा। गाइस अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, एंड गाइस हमने मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, काफ़ी सारे हमने प्रोडक्ट्स आपके लिए मुश्किल से सारे अवेलेबल कर पाए ताकि एक फेयर कंपैरिजन आपको दे सके। एंड गाइस ऐसे ही एंड इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में लाने वाले हैं, जिससे कि आप एक बेटर डील ले पाए, आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर पाए। तो गाइस अगर आपको ये सारे फैक्टर लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा ये ऐसे वीडियोस आपके लिए और ज्यादा लाने में, है ना। तो गाइस बताता हूं आपको वर्डिक्ट, तो गाइस ओवरऑल यहां पे मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो था ओनली ऑन फेबर कासल, अगर आप कोई भी बाइंग डिसीजन लेते हैं इससे पहले आप हमारे और वीडियोस देख लें, विच आर ऑन क्लासमेट, ठीक है, टैमलिन, डॉम्स वगैरह काफ़ी सारे ब्रांड्स में, तो आप एक वो सब देख लीजिए, उसके बाद फिर आप एक तुलमुल कीजिएगा, इन कंपेरिजन कीजिएगा आपको अब कौन सा लेना चाहिएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो मुझे ओवरऑल जो बेस्ट बॉक्स लगा, अगर आपका बजट 100 रुपीज़ का है, तेन गाइज 100 रुपीज़ में हमारे पास यहाँ पे थे बॉक्स iTech, स्पीयर एंड हमारे पास ग्रेट था गाइज, तो मुझे स्पीयर सबसे पसंद आया, ठीक है, स्पीयर सबसे ज़्यादा मुझे गाइज पसंद आया, ठीक है। ये वाले बॉक्स अगर आप 100 रुपीज़ स्पेंड करना चाहते हैं, देन गाइज यू कैन गो फॉर स्पीयर। तो गाइज अब बढ़ते हैं 150 रुपीज़ में, अगर आपको कोई बॉक्स लेना है तो 150 रुपीज़ में यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन थे, iTech Pro, टोरस एंड सेंट्रॉइड। तो मुझे पर्सनली ये दोनों ज़्यादा पसंद आए थे, टोरस एंड सेंट्रॉइड, तो ये दोनों ही बॉक्स अच्छे हैं, iTech Pro मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये था कि आपको टोरस में एक मैकेनिकल पेंसिल छोटी देखने को मिलती थी, एंड
आपको सेंट्रॉइड में एक बड़ी पेंसिल देखने को मिलती थी मैकेनिकल। तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप इसको ना इजीली कंपास के अंदर लगा सकते हैं, इसको नहीं लगा पाएंगे। बट अगेन इसके साथ आपको लीड्स भी मिलती हैं, इसमें आपको लीड्स नहीं मिलती हैं, तो ये दोनों ही बेटर ऑप्शन थे। मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज कौन सा लेना चाहिए इनमें से, तो आपका एक पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सी पेंसिल चाहिए। बाकी मटेरियल बिल्ड क्वालिटी एग्जैक्टली सेम, तो आप दोनों में से एक कोई चूज़ कर सकते हैं गाइस। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट ज्योमेट्री बॉक्स इसमें से कौन सा आपको लगा, आपने यूज़ किया हो तो कैसी क्वालिटी थी। एंड बात करें अगर 250 रुपीस की गाइस, तो 250 रुपीस में तो एक ही बॉक्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल था, फेवर कासल का स्टेलर। तो मैं आपको पर्सनली ये वाला जो बॉक्स है डायरेक्ट हाँ या ना नहीं बोलूँगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं। इसमें एडवांटेज ये है कि आपको ना यहाँ पे जो डिवाइडर है एंड जो कंपास है वो सेपरेट मिलते हैं, नहीं तो काफ़ी सारे और ज्योमेट्री बॉक्स हैं उनमें डेफिनेटली गाइस, जैसे मैं एक बात करूँ क्लासमेट की है, तो उसमें आपको इनकी क्वालिटी थोड़ी और अच्छी मिल जाएगी कंपास की, बट कई बार ना एक ही आपको चीज़ दी जाती है एंड एक पार्ट आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली बोलना कि आप ये ले लीजिए फॉर 250 रुपीज़ अभी मुझे सही नहीं लग रहा है। इसके बारे में हम अगर आप बोलें तो मैं एक डिटेल कंपैरिजन बना देता हूं अंडर 250 रुपीज़ का, तो अलग अलग ब्रांड्स के जिसमें हम कंपेयर कर देंगे, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद गाइस अगर आपको उसमें हम आपको एक फाइनल वर्डिक्ट दे पाएंगे फॉर 250 रुपीज़ कि आपको लेना चाहिए कि नहीं गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। एंड मैं आपको बता दूं आगे अगर आप वेट करें तो देखिए हम काफ़ी सारे और भी आपके लिए कंपैरिजन लाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, मेरे पास यहाँ पे मैप्ड के काफ़ी सारे ज्योमेट्री बॉक्स अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है मैप्ड की इस रेंज में। एंड यहाँ पे कैमलिन के मेरे पास काफ़ी सारे ज्योमेट्री बॉक्स अवेलेबल हैं गाइस, ये तो सिर्फ मेरे दो हाथों में इतने ही आ पाए। इसके आई थिंक इसके 4 times और हमारे पास एक बॉक्स है उसमें ज्योमेट्री बॉक्स अवेलेबल है। ठीक है, वो मैं भी दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। तो इतने सारे बॉक्सेज हैं, ये है, इनका वीडियो भी हम आपको फ्यूचर में ला के लेके आने वाले हैं आपके लिए। तो गाइज अगेन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इन वीडियोस को मिस मत करिएगा गाइज, है ना। ओके, तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।